what's up and welcome back. मुझे आराम लो पिक्चर स्टार्ट करना चाहिए. Hi guys, what's up and welcome back to my channel. तो आजकल ना एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है इंटरनेट पे कि जो फैशन ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ओ माय गॉड, दे आर सो एफिंग कॉन्फिडेंट. आई मीन दे वेयर सो मेनी कूल न्यू स्टाइल्स एंड आउटफिट्स एंड दे आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट. ओके, सो आई कांट स्पीक अबाउट ऑल द इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स विच आर आउट देयर इन द वर्ल्ड, बट पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि इवन एट दिस पॉइंट आई डू गेट अनकम्फर्टेबल या फिर शाय, एंड ये वाली चीज़ें ना अभी भी मुझे फेस करनी पड़ती हैं. एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इवन आई डोंट लाइक कि सारी अटेंशन ना मेरे ऊपर ही आए. तो आज हम एक एक करके वो वाले आउटफिट्स ट्राई करेंगे जो कि मेरा बहुत मन करता है पहनने का, बट मैं थोड़ी सी कभी कभी ना शाय हो जाती हूँ, ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ. एंड क्या पता उन आउटफिट्स को कभी मैंने पहना और तुमने मुझे बाहर देखो तो बस समझ जाना कि आज सोनिया बहुत खुश है, उसने अपने मर्जी का और मन का आउटफिट पहना है विदाउट गिविंग इट अ लॉट ऑफ थॉट. बट अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, आई नो व्हाट यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग दैट इट्स सो नंगू, इट्स सो रिवीलिंग, बट द पॉइंट ऑफ दिस आउटफिट, दिस होल लुक इज नॉट अबाउट इट्स रिवीलिंगनेस. इसका पीछे देखो, इट हैज़ अ टाई हेयर एंड टाई हेयर, तो इसका पूरा जो सपोर्ट है ना वो इन दो टाइज पे ही टिका हुआ है. एंड मुझे इसलिए डर नहीं लगता इसे बाहर पहनने में कि ओ इट्स सो रिवीलिंग और नांगू, बट मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि ना कोई इसे भीड़ में ना खोल के चला जाए. लाइक यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? मुझे सच में लगता है कि इसे बस कोई खोल के भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन था क्या था. लाइक इट्स सो स्कैरी मैन, एंड दीज काइंड ऑफ टॉप्स आर एक्चुअली वेरी ट्रेंडी दीज डेज, बट मुझे प्रैक्टिकली मैं यहाँ इस यू नो एनवायरमेंट में आई डोंट नो हाउ वी कैन सर्वाइव वेयरिंग दिस. तो मुझे पूरा ऐसे यू नो कवर होके एंड सिक्योर करके जाना पड़ेगा इफ अगर मैं इसे कभी बाहर पहनूंगी भी तो. एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, लाइक आई हैव सो मेनी गर्ल फ्रेंड्स जिन्होंने ऐसी वाली प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करी है. बट एट द सेम टाइम जो ऐसे वाले टॉप्स है, टाई वाले, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह में आते हैं, तो उन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है, बट अभी मेरे पास यही था तो इसी से काम चलाएंगे. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर इतना रिवीलिंग और इतनी प्रॉब्लम है सोनिया तो क्यों पहन के जाना है बाहर, क्योंकि मेरा मुझे अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग क्यूट, देखो क्यों ना पहनूं मैं. दिस आउटफिट प्रूव्स कि किसी भी आउटफिट या किसी भी लुक को रिवीलिंग होना जरूरी नहीं है उसे एक अनकंफर्टेबल लुक बनाने के लिए. लाइक इट्स जस्ट अ बेसिक कोऑर्डिनेट सेट टाई डाई में, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही तड़कता भड़कता आउटफिट हो सकता है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आजकल कोऑर्डिनेट सेट कोई पहन के नहीं घूमता, एंड दैट टू इतना कलरफुल वाला. आई मीन अटेंशन तो ग्रैब होती ही है, एंड इवेंचुअली तुम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि ओह सब मुझे देख रहे हैं. एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बार मुझे कॉमेंट आया था, मतलब मैंने ये ना किसी वीडियो में पहना था, तो मुझे कॉमेंट आया था कि आप टिकटॉकर लग रहे हो, एंड आई वाज लाइक ओके प्रॉब्लम क्या है. मतलब अगर उनकी चॉइसेस इतनी एक्सप्रेसिव है, जो उन्होंने पहना हुआ है मेरा भी पहनने का मन कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कैटेगराइज क्यों करते हैं भाई साहब, एंड दैट टू इन अ बैड वे, उन्हें इतना बैड लाइट में शो करते हैं. लाइक ज़रूरी नहीं है अगर सब हेट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी कम्युनिटी को तो तुम भी करो, नहीं ज़रूरी नहीं है. जस्ट बट अभी इस चीज़ को साइड रखते हुए, टुडेज वीडियो इज़ पॉसिबल बाय पॉन्ड्स, एंड दे हैव सेंड मी देयर रेंज ऑफ फेस शीट मास्क टू ट्राई आउट फॉर यू गाइज. नाउ इट्स द इजिएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू इंडल्ज इन स्किन केयर. आई मीन जस्ट लीव इट ऑन फॉर 15 to 30 minutes एंड इंस्टेंटली यू विल सी द मैजिक, एंड देयर ओनली प्राइस इज ₹75. आई मीन इतने से इतना ग्लो, प्लस दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड आर 100% बायोडिग्रेडेबल. सो दीज कम इन 5 वेरियंट्स एंड हैव 15 टाइम्स सीरम, वाइटमिन्स एंड 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स फॉर एन इंस्टेंट ग्लो. सो फर्स्ट वी हैव वाइटमिन ई प्लस अवोकाडो एक्सट्रैक्ट शीट मास्क विच सॉफ्टेंस एंड नरिशेस द स्किन. नेक्स्ट इज वाइटमिन B6 प्लस बैम्बू चारकोल शीट मास्क विच प्रिवेंट्स एक्ने एंड ऑयल एक्यूमुलेशन एंड ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज. देन वी हैव वाइटमिन B3 प्लस कोकोनट वाटर मास्क विच इज रियली गुड फॉर ड्राई स्किन एज इट ऑल्सो hydrates. Then we have vitamin C plus pineapple extract mask for protection from UV damage, and it also helps in spot lightening plus brightening of the skin. And last is vitamin A plus tomato extract mask which strengthens the skin and it also plumps it up, giving it that natural glow. And I'm linking all these products in the description box down for you guys to check out, so do check out. Okay, so next is a nude color, anything, and on top of it, if it's sheer, तो मुझे लगता है कि उसको पहनने के लिए पब्लिकली एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए. अगर तुम्हारे पास है ना गुड, मुझे भी प्लीज़ पॉइंटर्स दे दो नीचे कॉमेंट्स में. बट दिस इज समथिंग जो कि मेरे वॉर्डरोब में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से रखा हुआ है, बहुत साल पहले लिया था, एंड इसकी अच्छी क्वालिटी अभी भी इसीलिए है बिकॉज मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बस शूट्स वगैरह में पहन के आई जस्ट कीप इट इनसाइड एंड दैट इज इट, दैट्स द होल स्टोरी. एंड ऑल्सो बिग डिस्क्लेमर,
व्हेनेवर आई एम सेइंग कि जब भी मैं इसे पहनती हूँ या कुछ कपड़ों को बाहर पहनती हूँ मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ या फिर लोग मुझे देख रहे हैं ये कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अबाउट मी अटैकिंग एनी जेंडर या फिर कोई भी एक ग्रुप या कम्युनिटी, कुछ भी नहीं, बिकॉज कोई भी तुम्हें देख सकता है एंड यू नो तुम अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो। एंड कभी पता क्या होता है, फनी थिंग, कोई तुम्हें देख भी नहीं रहा होता है एंड तुम्हें लगता है कि वो सब मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। एनी वे दिस इज जस्ट अनदर थिंग, बट आई गेस आई नो इट्स माई पर्सनल फेवरेट, बट शीयर फैब्रिक में और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स आते हैं, लाइक कवर अप और यू नो टॉप्स और डिफरेंट थिंग्स, वी ऑल आर अवेयर ऑफ देम, तो वो भी पहन सकते हैं, बट मेरा ये पहनने का ना पर्सनल बहुत ज़्यादा मन करता है। नेक्स्ट इज इज वेरी सिंपल जिम आउटफिट, बेसिक स्पोर्ट्स ब्रा एंड बाइकर शॉर्ट्स। मुझे लगता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, लाइक अगर तुम स्विमिंग करते हो तो स्विम वेयर पहनते हो, जिमिंग करते हो तो जिम वेयर पहनते हो, तो उसमें भी यू नो लाइक मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा लोग रिलेट करने वाले, जिम में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी फन ओरिजिनल स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय योर ओन सोनिया गर्ग। सो आई वॉज इन जिम वन टाइम, पुराने वाले जिम में मैंने वो छोड़ दिया है। सो आई वॉज वेयरिंग नॉर्मल टी शर्ट, नॉट इवन स्पोर्ट्स ब्रा, बेसिक जो टी शर्ट होती है पूरी स्लीव्स वाली, एंड आई वॉज डूइंग बेसिक स्ट्रेचिंग, तो मेरा थोड़ा ऊपर होके टमी दिख गया होगा, मैंने नहीं ध्यान दिया। एंड माई ट्रेनर केम टू मी एंड सेड कि घर से बड़ी टी शर्ट पहन के आनी है। मुझे तब तो कुछ समझ नहीं आया और मुझे खुंदस तो बहुत आई थी, बट ही वॉज माई ट्रेनर एंड ऑल लाइक टीचर, तो मैं कुछ किया नहीं, मैं घर चली गई। बट अगले दिन मैं नॉर्मली बनकर आई, जैसे मैं कपड़े पहनती थी मैं वैसे ही पहन कर आई, मैंने कुछ किया नहीं। तो उस दिन मुझे ना एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि अगर तुम्हें लोग अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं तो ठीक है करवाने दो, बट अगर तुम्हें मन है पहनने का एंड तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो ठीक है, लाइक अब मैं और क्या, अब मैं कुछ जिम तो करने दो यार, इतना तो ठीक है। लाइक सर नेक्स्ट इज इज वेरी प्रिटी समर लुक, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा देखा है इसे इंस्टाग्राम पे सबको पहनते हुए एंड पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी मन है बाहर पहनने का, बट एज यू कैन सी इट्स बैकलेस एंड मुझे ना ये ऐसे ही पसंद है, लाइक इट्स गिविंग मी नाइस सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो मैं लाइक आई डोंट प्रेफर वेयरिंग अ ब्रा इनसाइड, आई जस्ट वेयर इट एज इट इज़ एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि समटाइम्स इट कुड बी obvious that I'm not wearing anything inside and I'm okay with that. I mean मुझे personally bras बहुत ज़्यादा ना overrated लगती है, मुझे लगता है कि like if you want to wear them or if you need that kind of support wear it, but मुझे नहीं लगता कि हमें ना हर किसी के ऊपर से थोपना चाहिए कि तुम भी पहनो तुम भी पहनो तुम भी पहनो। लाइक आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मी वेयरिंग दीज काइंड ऑफ आउटफिट्स पब्लिकली, बट मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत बार यू नो कॉमेंट्स आते हैं कि दी आपने ब्रा नहीं पहनी हुई और आपका चेस्ट एरिया यू नो डिसेंट नहीं लग रहा है या ये दिख रहा है वो दिख रहा है ना, लाइक इट्स ओके, लाइक नॉट अ बिग डील। सो बेसिकली माई पॉइंट इज इफ यू वॉन्ट टू वेयर अ ब्रा वेयर इट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू वेयर इट डोंट वेयर इट, टोटली अप टू यू, योर चॉइस। एंड हाँ, इस आउटफिट को जल्दी मैं बाहर पहन के जाना चाहती हूँ, अभी मुझे मौका और वो ओकेजन नहीं मिला है, बट जल्दी सून मुझे ना पर्सनली बहुत ज़्यादा लगता है, मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ भी हुआ है। तो अगर मैंने साड़ी या लहंगा या कुछ भी ऐसे ट्रेडिशनल आउटफिट के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ पहनी हुई है जिसमें मेरी नेवल दिख रही है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई, एंड दिस इज़ अनदर लुक जो कि मुझे इस वजह से रोकता है इसे बाहर पहनने के लिए। तो मैं इसे ना बिल्कुल ऐसे you get it what I'm trying to say, what I'm trying to do, huh? And at the same time this is very tight fitted, so another reason ki kyun isse ye itna uncomfortable banana, वैसे uncomfortable hai nahi dekha jaye to, ye bahut hi cute pretty pyara sa aise summer look hai, bahut hi comfortable, paseena paseena bhi nahi aayega, very airy, but nahi नहीं पहनना, क्यों नहीं पहनना, मुझे गुस्सा ऐसा लगता है, छोड़ दो फोड़ दो सब कुछ, बट ठीक है। एंड ऊपर तो टॉप से कुछ भी पहन सकते हैं, बट मुझे ये इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, आई वॉज लविंग द वाइब, तो मे बी मैं इसको ऐसे पहनूंगी। एंड तुम देखना अगली बार तुम मुझे अगर कभी बाहर मिलोगे ना, देखना बस देखना। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड वैसे तो सबको मालूम ही है कि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा आउटफिट्स रखे हुए हैं जो कि तहलका मचा सकते हैं, बट आज हम इन्हीं प्यारे प्यारे आउटफिट से काम चलाएंगे। एंड मुझे बस ये थोड़ा सा शेयर करना था कि बिहाइंड द सीन्स, लाइक कैमरे के पीछे मेरे साथ भी या फिर हम सबके साथ ये वाली चीज़ें चल रही होती है, ऐसा नहीं है कि यू नो सब कुछ बहुत ही अच्छा है अगर कैमरे पे सब कुछ परफेक्टली दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम थोड़े से
आउटफिट आइडियाज मिले क्या? मजा आया? मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड लास्टली जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जस्ट बी काइंड टू वन अनदर, लाइक फेस टू फेस भी, इंटरनेट पे भी, कमेंट सेक्शन में भी, बिकॉज या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट स्प्रेड सम लव एंड पॉजिटिविटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरत है यार इस टाइम पे. बट I'll see you in my next one. Hope you enjoyed this video. Like and subscribe and bye. Bye.